Hello students, welcome back to Prepon. These days we have started studying modern Indian history और मैंने कुछ 50 topics की एक modern history से important topics की series शुरू की है. पहला topic आप लोग पढ़ चुके हैं, NCERT पे based है और बहुत useful रहेगा और आपकी NCERT भी तैयार हो जाएगी. उसी context में, उसी संदर्भ में आज एक छोटा सा topic आपको कराता हूँ जो प्योरली एकेडमिक तो नहीं है, अदरवाइज भी यूजफुल है. और इसका मौका मुझे मिला इससे कि पिछले कुछ ही दिनों पहले नेशनल यूथ डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द कंट्री, दैट इज द बर्थडे ऑफ स्वामी विवेकानंद. नेशनल यूथ डे, ही हैज़ बीन क्वाइट अ मोटिवेटिंग फिगर फॉर द यूथ ऑफ द कंट्री, बोथ बिफोर इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस एज वेल. तो कुछ छोटी छोटी बातें जानते हैं इनके बारे में जो हमारी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में भी सपोर्ट करेगा, अदरवाइज तो यूजफुल है ही. सो यू नो ही वॉज नरेंद्र नाथ दत्त. वॉज बॉर्न इन 1863. उनकी पैदाइश होती है, नॉर्मल कोर्स में जैसे पढ़ाई लिखाई होती है स्कूल कॉलेज में उनकी भी हुई. बड़े ब्रिलियंट स्कॉलर माने गए और उनके बारे में लिखा ही है उन्होंने खुद ही कि मैं पूरी किताब कभी नहीं पढ़ता था. आई यूज़ टू रीड द फर्स्ट लाइन ऑफ द पेज एंड द लास्ट लाइन ऑफ द पेज एंड कुड कॉम्प्रीहेंड द होल पेज. इस तरीके से वी ऑल नो दैट ही हैज एक्सेप्शनल मेमोरी, मतलब वो ब्रिलियंट स्कॉलर हुआ करते थे. कंटेम्पलेटिव माइंड के थे, इंक्विजिटिव माइंड के थे, बचपन से ही स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन दिखाई पड़ता था उनकी पर्सनैलिटी में. उनको अपने कॉलेज में, प्रेसिडेंसी कॉलेज में वो पढ़ते थे, उनको पता लगता है कि देयर इज रामकृष्ण परमहंस वॉज अ प्रीस्ट कलकत्ता में, काली टेम्पल, वेरी वेरी फेमस काली टेम्पल एट दक्षिणेश्वर कलकत्ता में काली टेम्पल है, उसके पुरोहित हैं. उनसे मिलने पहुंच जाते हैं नरेंद्र और नरेन. जब वहां पहुंचते हैं एंड ही आस्क्ड हिम, हैव यू सीन गॉड, रामकृष्ण परमहंस रिप्लाइड, यस आई हैव सीन. मैंने उनसे बात भी की है ऐसे ही जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आप भी कर सकते हैं. That was the moment, and after a few days, you can say Narendra Nath Dutt became his disciple. वो उनके disciple हो गए, उनके गुरु हो गए. Another dimension of his personality, spirituality तो शुरू हो ही चुकी है, उन्हें गुरु मिल गए हैं. दूसरी dimension उनकी personality की ये थी, जो चारों तरफ poverty का आलम था उन दिनों जब वो हुआ करते थे, 1880s, 90s की बात है. और उन दिनों अंग्रेज़ों का रूल चल रहा है, हालात बहुत ही बुरे हैं ब्रिटिश रूल में. तो वो इस गरीबी को चारों तरफ देखते थे और उसका सॉल्यूशन तो कुछ मिलना ही चाहिए ऐसा वो जानते हैं. पता है उन्हें कि पश्चिम में बहुत डेवलपमेंट है, मटेरियल रिसोर्सेज बे इंतहा हैं, वहाँ के भौतिक संसाधन बहुत ज़्यादा होते हैं, और इधर ईस्ट में तो गरीबी ही गरीबी है. वो सोचा करते हैं कि अगर ये पश्चिम का भौतिकवाद और पूर्व का अध्यात्म मिल जाए, देन दुनिया से गरीबी का खात्मा हो सकता है. दिस मटेरियलिज्म ऑफ द वेस्ट एंड द स्पिरिचुअलिज्म ऑफ द ईस्ट, इफ़ दे कैन कम टुगेदर, दे विल रिड द वर्ल्ड ऑफ इट्स पॉवर्टी, ऐसा वो सोचते हैं. बहरहाल वो निकलते हैं, भ्रमण पर निकलते हैं और इम्पॉर्टेंट चुनिंदा शहरों में वो जाते भी हैं. ऐसे ही वो पहुँचे हैं कन्याकुमारी, और कन्याकुमारी में उन्होंने फिर एक तरीके से कह सकते हैं मेडिटेशन किया है, या विचार में चले गए हैं, कंटेम्पलेशन में चले गए हैं, और एक रॉक सरफेस पे बैठ के उन्होंने विचार किया है. वहीं पे उनको इंसाइट आती है कि यस आई शुड मूव टू यूएस, टू अमेरिका, वहाँ पहुँचता हूँ, स्पिरिचुअलिज्म और जो भारत का अध्यात्म है उसका तो वहाँ आगाज करता ही करता हूँ, साथ ही साथ वहाँ के संसाधनों की भी कुछ कोशिश करता हूँ लाने की, ताकि कुछ पॉवर्टी के लिए किया जा सके. एक रॉक सरफेस पे उनको ये विचार
आया है। ये ही कहलाता है कन्याकुमारी रिजॉल्व। 1892 का कन्याकुमारी का संकल्प क्या है? इट वॉज द रिजॉल्व व्हेन विवेकानंद डिसाइडेड टू मूव टू US, वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स होने जा रही है, क्यों ना मैं वहाँ पार्टिसिपेट करूँ। कन्याकुमारी का संकल्प है। अब इसके बाद प्रॉब्लम यह है कि पैसे कहाँ से आएंगे, कैसे क्या होगा। सो ही समहाउ ही हैड ऑल हिज पैटर्न्स ऑल्सो, तो कुछ राजा, छोटे मोटे राजा या सेठ वगैरह से पैसे वैसे सब इकट्ठे हो जाते हैं। एंड फाइनली ही लेफ्ट फॉर द US ऑन अ शिप SS पेनिनसुलर। ये वो पॉइंट्स आपको मैं बता रहा हूँ जो किसी भी एग्जाम में कभी भी स्ट्राइक हो सकते हैं। शिप SS पेनिनसुलर पे ही वेंट टू US पहुँच जाते हैं। 1893 में वो कॉन्फ्रेंस होनी है, वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स होनी तो जुलाई में थी लेकिन टाल दी गई है। उनके पास जो फंड्स हैं वो तो बस इतने ही हैं कि गए, अटेंड की और चले आए। जब पता लगता है कुछ महीनों टल गई है तो प्रॉब्लम्स होने ही वाली हैं। वहाँ भी बड़े गरीबी के हालात आ गए हैं, बुरे हालात आ गए हैं, फिर उनको वहाँ भी सपोर्ट मिल जाता है। किसी तरीके से वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स का दिन भी आन दिन आने लगते हैं। प्रॉब्लम ये आ रही है, उनको ये पता लगता है कि उनको वहाँ रिप्रेजेंट नहीं करने दिया जाएगा, क्योंकि वो तो किसी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करें तो उनको दाखिला मिलेगा और वो किसी ऑर्गेनाइजेशन से तो गए नहीं थे। कोशिश करते हैं कि थियोसोफिकल सोसाइटी में ज्वाइन कर लूँ, मुझे रिप्रेजेंट करने देंगे। थियोसोफिकल सोसाइटी आपको याद होगा, एनी बेसेंट जो भारत में आके काम करेंगी। ये थियोसोफिकल सोसाइटी 1875 में न्यूयॉर्क में बन गई थी। इट वॉज वर्किंग इन अमेरिका। सो ही अप्रोच्ड थियोसोफिकल सोसाइटी, बट थियोसोफिकल सोसाइटी नेवर वॉन्टेड हिम टू रिप्रेजेंट द सोसाइटी। If you can, if you will be allowed, you should join and follow Theosophical Society. उसके लिए वो राजी नहीं हुए हैं, तो ये भी मौका हाथ से चला गया। बहरहाल फिर किसी व्यक्ति ने उनको बोला है, you should represent Hinduism, और किसी तरीके से उनकी पास बना है और एंट्री हो गई है वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में। By the way, थोड़ा सा डाइग्रेस करता हूँ, आप में से कौन बताएगा कि ये जो स्टैचू है इंडियन ओशन में, कन्याकुमारी से थोड़ा दूर जाकर ओशन में, ये किसकी है? हु विल टेल? आप मुझको इसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ये स्टैचू किसकी है। मैंने अभी दो चार दिन पहले आपको इसके बारे में बताया था। ये आपके लिए छोटा सा होमवर्क है, यू शुड टेल मी इन योर कमेंट बॉक्स कि ये किसकी है। वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में पहुँच जाते हैं, वहाँ पर उनका नंबर भी आने वाला है। अब बोलना है उनको, लेकिन हालत ख़राब हो रही है, स्टेज फ्राइट हो रही है, डर लग रहा है, उनका नंबर आने लगता है, टालते रहते हैं, हिम्मत नहीं पड़ पा रही थी बोलने की। फाइनली उनको बोलना ही था, उनका नंबर 31 था। ही वॉज नंबर वॉज 31 इन दैट पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस। वहाँ थियोसोफिकल सोसाइटी से एनी बेसेंट हैं, याद रखेंगे आप, वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में एनी बेसेंट भी हुआ करती थी। शी वॉज रिप्रेजेंटिंग थियोसोफिकल सोसाइटी। तो ये बैठे हुए हैं, बहरहाल नंबर आता है, बोलना ही है, और फिर वो पहुंचते हैं और कहते हैं, द सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, ही सेड, एंड देयर वॉज लार्ज अप्लॉज थ्रू आउट द हॉल एंड 7,000 पीपल स्टूड। दो मिनट तक वो तालियां बजती रहीं। अभी तो उन्होंने, उनको बहुत लोग जानते भी नहीं हैं और उनके कोई प्रवचन हुआ कुछ ऐसा भी नहीं है कि वहाँ बहुत ज़्यादा लोग जानते हों, बट एक मॉन्क इंडिया से आया है एंड द वे ही एड्रेस देम टच देयर हार्ट। क्योंकि उस सोसाइटी विच वॉज टू मटेरियलिस्टिक, उसमें इस तरीके से संबोधन जिसमें इमोशंस से भरा हुआ एक ऐसा संबोधन जिसमें किसी ने इनफॉर्मल वर्ड्स बोले हो, वरना तो वहाँ पर फॉर्मल सैल्यूटेशन से एड्रेसेस ही हुआ करते हैं। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स जैसे सैल्यूटेशन एड्रेसेस उन्होंने नहीं इतने कभी ऐसी गैदरिंग्स में सुने हैं। And the people were moved by the words he spoke. So that was 2 minute applause. Then finally he started talking. उन्होंने वेदांत पर, भारत के बारे में, भारत की दुनिया को लेगेसी के बारे में बताया है, क्या कैसा वो देश है, दुनिया भर के कल्चर्स और लोग वहाँ हमेशा रिफ्यूज लेते रहे हैं। He started talking about India.
बट कभी आपने ये सब तो बहुत लोग जानते ही हैं वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स के बारे में, बट कभी आपने ये सोचा, पता किया या आपको पता लगा कि वो क्या वजह है, ये वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स हो क्यों रही थी, व्हाट वाज द पर्पस, क्यों हो रही थी? ये हो रही थी 400th एनिवर्सरी सेलिब्रेट हो रही थी डिस्कवरी ऑफ अमेरिका बाय क्रिस्टोफर कोलंबस। आपको बताया था मैंने 1492-93 में कोलंबस डिस्कवर्ड ओशन रूट टू अमेरिका, और इसको वो लोग सेलिब्रेट करते थे। और अमेरिका इसमें सेलिब्रेशन एक्चुअली ये था कि वॉट एवर डेवलपमेंट अमेरिका हैज़ डन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी उसको सेलिब्रेट करना है, कितना दूर निकल आया है देश, कितना आगे बढ़ गया है। लेकिन क्योंकि रिलीजन भी लाइफ का एक वाइटल फैक्टर है, वाइटल पार्ट है, तो इस बड़ी आयोजन के साथ एक छोटा आयोजन था वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स। ये अपने आप में एक छोटा आयोजन था। मेन तो था कि भाई अमेरिका वॉज की 400th एनिवर्सरी है और साइंस और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में कितना हम लोग तरक्की कर चुके हैं, तो एक छोटी सी ये सेरेमनी हुई थी एज एन एडजंक्ट टू द सेलिब्रेशन ऑफ 400th सेलिब्रेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका। सो दिस वॉज द ओकेजन, कुछ ऐसा था तो रिलीजन को भी लिया गया था। उन्होंने काफ़ी कुछ बोला, लेकिन जो आखिरी सेशन था उनका, जो एड्रेसेस उनके थे, कई सेशन हुए थे, जो आखिरी सेशन था उसमें उन्होंने क्या बोला, जो फिर हमें नहीं पता रहता, जो बड़ा यूज़फुल है, हमेशा यूज़फुल है, आजकल बहुत यूज़फुल है। और मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब हम मेंस का आंसर लिखेंगे, इथिक्स हो या ऐसे हो या कहीं भी, हम इन चीज़ों को कोट कर सकते हैं। उन्होंने कहा, मच हैव बीन सेड ऑफ द कॉमन ग्राउंड ऑफ रिलीजियस यूनिटी, काफ़ी कुछ कहा जा चुका है कि सभी धर्मों को यूनिफाइड होके यूनिटी के साथ रहना चाहिए। मैं अपनी कोई थ्योरी देने वाला इसमें नहीं हूँ, लेकिन यदि आप ये कहें कि ये यूनिटी एक धर्म की बाकी धर्मों पर विजय प्राप्त करके आएगी, तो मैं कहता हूँ ऐसा संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। जैसे कि उन्होंने एग्जाम्पल दिया, एक बीज होता है, बीज को पानी है, सॉइल है, एयर है, सब कुछ मिलता है, तो वो एक प्लांट बन जाता है, प्लांट बन जाता है। बीज पानी नहीं बन जाता, बीज एयर नहीं बन जाता, बीज वाटर नहीं बन जाता, बीज सॉइल नहीं बन जाता, वो तो एक प्लांट बन जाता है। इसी तरीके से क्रिश्चियन को हिंदू नहीं बनना है, जैसे बीज को पानी नहीं बनना है, बुद्धिस्ट को हिंदू नहीं बनना है, क्रिश्चियन को मुस्लिम नहीं बनना है। इस पूरे सिस्टम में सभी कुछ रहेगा, अपनी इंडिविजुअलिटी को मेंटेन करते रहिए, यू कैन मेंटेन योर टेनेट्स ऑफ योर ओन रिलीजन, स्टिल यू कैन स्टिल हैव द बेस्ट टेनेट्स ऑफ अदर रिलीजन्स इन यू। और धर्मों की भी बहुत सारी चीज़ें समाहित कर सकते हैं अपने अंदर, अपने धर्म को भी का इंडिविजुअलिटी को लूज ना करें। ये यूनिवर्सल रिलीजन की बात उन्होंने लास्ट में बोली है, जब वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स कन्क्लूड हो रही है, यूनिटी ऑफ रिलीजन्स ऐसे आएगा कि हम और चीज़ों को भी एसिमिलेट कर लें। उन्होंने कहा, फाइनली उन्होंने कहा, रिलीजन बेसिकली फ्यूचर में कुछ ऐसा ही हो पाएगा कि हेल्प नॉट फाइट, धर्मों के संदर्भ में बोल रहे हैं, एक दूसरे की मदद होनी होगी, फाइट से काम नहीं चलेगा, एसिमिलेशन होगा नॉट डिस्ट्रक्शन, और धर्मों को चीज़ें को एसिमिलेट करेंगे, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश नहीं होगी, ऐसा ही फ्यूचर में होगा, हार्मनी और पीस नॉट डिसेंशन, सामंजस्य बिठाना, शांति स्थापित करना, इससे काम चलेगा, एक दूसरे में टूट फूट करना या जो तोड़ फोड़ लड़ाइयाँ कन्फ्रंटेशन करना, डिसेंशन करना, उसमें फूट के बीज बो देना, डिसेंशन का मतलब, ये सब नहीं होगा, ये होगा तो बात बनेगी, देयर शुड बी अ यूनिवर्सल रिलीजन ही सेड। दिस वॉज अबाउट हिम। उनके एड्रेस के बाद एक अखबार ने लिखा, ही इज अनडाउटेडली द ग्रेटेस्ट फिगर इन द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स, आफ्टर हियरिंग हिम वी सी हाउ फुलिश इट इज टू सेंड मिशनरीज टू दिस लर्नेड नेशन। विवेकानंद को सुनने के बाद वहाँ के अखबार ने लिखा है कि द ग्रेटेस्ट ओरेटर तो यही रहे इस पार्लियामेंट में, और अब हमको समझ में आता है कि इस देश में, भारत जैसे देश में, मिशनरीज़ को, पादरियों को, क्रिश्चियन मिशनरीज़ को भेजना कि वो जाकर वहाँ धर्म फैलाएं या धर्मांतरण करें, कितना बेवकूफ़ी भरा कदम होगा। जो इतना लर्नेड देश है, यहाँ के मॉन्क्स ऐसे हैं,
वहाँ पर कोई और धर्म जाके इन्फ्लुएंस कर पाए, ऐसा फुलिशनेस से ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कहा। बेसिकली विवेकानंद इंट्रोड्यूस हिंदुज़्म टू द वेस्टर्न वर्ल्ड, उन्होंने हिंदुज़्म को वेस्टर्न वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस किया है। बहुत सारे उनके कोटेशंस हैं जो आप किसी भी एग्ज़ाम में, किसी भी आंसर में, एथिक्स का आंसर हो, ऐसे हो, कोट कर सकते हैं। उनके कोटेशन पे पूरा पूरा ऐसे बन सकता है। ऐसा ही उन्होंने एक कोटेशन दिया जो ठीक लगा मुझे, तो आपसे शेयर कर रहा हूँ। उन्होंने एक तो बहुत फेमस है ही, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव्ड। एक उन्होंने कहा, टेक रिस्क इन योर लाइफ, बी एडवेंचरसम, बी एंटरप्राइजिंग, है ना। जो लेजी हैं वो पीछे रह जाएंगे, जो बिजी हैं वो आगे बढ़ेंगे। तो उन्होंने कहा टेक रिस्क इन योर लाइफ, क्यों? इफ़ यू विन यू कैन लीड, इफ़ यू लूज यू कैन गाइड। अगर जीतते हो तो लीड करोगे ही करोगे, हारते हो तो दूसरों को हारने नहीं दोगे। इफ़ यू विन यू कैन लीड, इफ़ यू लूज यू कैन गाइड। अगर हार जाओगे तो दूसरों को हारने नहीं दोगे, इतना तो तय है, और जीतते हो तो लीडर बन ही जाओगे। दोनों ही स्थितियों में लीड करोगे ही करोगे, इसलिए रिस्क लेना ज़रूरी है। वन शुड बी एंटरप्राइजिंग, हमेशा एक कंफर्ट जोन में रह के काम हो ऐसा संभव नहीं है, स्ट्राइव तो करना ही पड़ेगा। वेरी वेरी यूजफुल कोटेशन। आइदर वे यू विल बी यूजफुल टू दिस वर्ल्ड, इफ यू लूज स्टिल यू विल बी वेरी यूजफुल टू दिस वर्ल्ड। एक और कोटेशन जो बड़ा यूजफुल लगा मुझे, आपसे शेयर करता हूँ। टॉक टू योर सेल्फ वंस इन अ डे, अदरवाइज यू मे मिस मीटिंग एन एक्सीलेंट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। टॉक टू योर सेल्फ वंस इन अ डे, एक बार तो दिन में अपने आप से साक्षात्कार करना ही चाहिए। नहीं किया तो लगेगा किसी बहुत ही एसेंशियल व्यक्ति से, एक्सीलेंट व्यक्ति से आपकी मुलाकात रह गई है। जितना बेहतर अपने बारे में जानेंगे उतना बेहतर अपने लिए या दुनिया के लिए कर पाएंगे। अपने से ही साक्षात्कार नहीं हुआ, अपने को ही नहीं जान पाए, तो दुनिया के लिए कुछ करना संभव किसी के लिए हो ही नहीं सकता है। इसलिए एक बार तो ज़रूर कंटेम्पलेट करिए दिन में 24 घंटे में बैठ के अपने पास, अपने साथ, कि क्या सही रहा, क्या गलत रहा और क्या करेक्टिव एक्शन हो सकता है। वेरी वेरी डीप मैसेज के साथ ये स्टेटमेंट है। टॉक टू योर सेल्फ वंस इन अ डे, एक बार ज़रूर अपने आप से साक्षात करो, और बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से, पारदर्शिता से करो। देखिएगा बहुत कुछ उस आईने में देखने को मिलेगा। सो दैट वॉज विवेकानंद। और 1984 में, बाय द वे एक छोटी सी बात, 1984 में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल यूथ डे मनाना शुरू किया था। उस समय की भारत सरकार ने ही तय किया था कि नेशनल यूथ डे हम मनाया करेंगे 12 जनवरी को, विवेकानंद जी का बर्थडे। सुभाष चंद्र बोस ने उनके लिए कहा, ऐसे तो आपको पता ही है कि फ्रीडम स्ट्रगल के समय वो हुआ करते थे, बट उन्होंने डायरेक्टली कोई रोल उसमें नहीं निभाया है, कोई भी रोल नहीं निभाते हैं वो। सुभाष चंद्र बोस ने उनके बारे में कहा है, ही कैन राइटली बी कॉल्ड स्पिरिचुअल फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। ही कैन राइटली बी कॉल्ड स्पिरिचुअल फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, भारतीय राष्ट्रवाद के आध्यात्मिक पिता यदि कोई कहे जा सकते हैं तो विवेकानंद ही कहे जा सकते हैं। ऐसा उनके बारे में कहा सुभाष चंद्र बोस ने, मतलब ही लेड द मोटिवेशनल फाउंडेशन ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। ऑन द अदर फ्रंट ही स्टार्टेड आरके मिशन। जब लौटते हैं वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन से, तो उन्होंने एक रामकृष्ण मिशन शुरू किया है, ह्यूमैनिटेरियन वर्क के लिए, फिलंथ्रॉपी के लिए। फ्री हॉस्पिटल्स हैं, फ्री एजुकेशन है, ऑर्फनेजेस हैं, अनाथालय वगैरह, मतलब कैसे मानवता की सेवा हो, उसके लिए रामकृष्ण मिशन शुरू कर देते हैं। क्योंकि उनके गुरु कहा करते थे, सर्विस टू मैन इज लाइक सर्विस टू गॉड, मानव सेवा इज माधव सेवा, नर सेवा नारायण सेवा। मानव सेवा इज माधव सेवा, नर सेवा इज नारायण सेवा। इफ यू सर्व ह्यूमैनिटी अल्टीमेटली यू आर सर्विंग गॉड। जब वो ऐसा कह रहे हैं तो क्या बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि एवरी ह्यूमन सोल इज एन एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सोल। जो भी मनुष्य आत्मा है वो परमात्मा का एक अंश भर है। अगर परमात्मा को सर्व करना चाहते हो तो पहले उसकी क्रिएशन को सर्व करो।
विदाउट सर्विंग ह्यूमैनिटी यू कैन नॉट सर्व गॉड। ये उन्होंने उपनिषद का जो बिल्कुल कोर कंसेप्ट है अद्वैत जो शंकराचार्य ने दिया था उसका उन्होंने प्रैक्टिकल रूप बताया कि यू शुड सर्व ह्यूमैनिटी इन ऑर्डर टू सर्व गॉड। दैट वॉज विवेकानंद इन शॉर्ट। तो दैट वॉज समथिंग अबाउट हिम। आई ट्राइड टू गिव यू सम इनसाइट इन टू हिज पर्सनैलिटी और कुछ छोटी छोटी बातें भी हमको पता चली जो किसी भी तरीके से यूजफुल हो सकती हैं। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मोर सच वीडियोज़ विल कम इन फ्यूचर। सो थैंक यू।